2021 टीम इंडिया के लिए भले ही अच्छा ना रहा हो, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम हार गए और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी अपना जगह बनाने में असफल रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया के लिए यादगार साल रहा। टीम इंडिया सेना कंट्रीज में जाकर सिर्फ मैच नहीं जीता, सीरीज भी जीता और ऐसे ऐसे ग्राउंड पर जीता जहां टीम इंडिया इतिहास में कभी नहीं जीत पाया था। सबसे पहले गाबा, उसके बाद लॉर्ड्स और अब साल के अंत में सेंचुरियन। अगर आप टीम इंडिया के सच्चे वाले फैंस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको टीम इंडिया पर प्राउड फील हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक मार देना। अबे डिसलाइक काउंट नहीं होता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ डिसलाइक मार देना, क्योंकि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। टीम इंडिया साल 2021 का पहला टेस्ट मैच 7 से 11 जनवरी को सिडनी में खेला था। वो किसे याद नहीं होगा जब अश्विन और हनुमा बिहारी ने हारा हुआ मैच को लास्ट तक बैटिंग करके ड्रॉ कराया था। उस मैच को ड्रॉ कराना हमारे लिए जीत से कम नहीं था, क्योंकि अगर वो मैच हम हार जाते तो सीरीज ड्रॉ हो जाता। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टीम इंडिया 1947 से 13 मैच खेला है और एक ही मैच जीत पाया है। ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीता है जबकि 7 मैच ड्रॉ रहा है। उसके बाद साल 2021 का दूसरा टेस्ट मैच गाबा में हुआ, जहां टीम इंडिया 1947 से एक भी मैच नहीं जीता था। ऑस्ट्रेलिया वहां 5 मैच जीता था और एक मैच ड्रॉ रहा था। 2021 में इंडिया पहली बार गाबा में जीता और वो भी मात्र 3 एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ, पुजारा, रहाने और रोहित, बाकी सब इनएक्सपीरियंस। चाहे वो शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और नटराजन, सब यंगस्टर ने मिलकर गाबा को अपना बाबा का ढाबा बना दिया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड टीम को देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। 2017 से कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज नहीं जीता है और इंडिया 2 बार जाके दोनों बार सीरीज जीता। इसीलिए किसी ने कहा है, सस्ते में जो मिल जाए टेस्टी वो फालूदा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे ऐसा सब टीमों में गुदा नहीं। आपको अगर पता है ये किसने कहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद अगस्त में लंदन के लॉर्ड्स ग्राउंड में इंडिया 151 रनों के विशाल अंतर से जीता। इससे पहले टीम इंडिया वहां 1932 से 18 मैच खेला था और मात्र 2 बार जीता था। इंग्लैंड वहां 12 मैच जीत चुका है जबकि 4 मैच ड्रॉ रहा था और हर बार इंग्लैंड बड़ी मार्जिन से जीतता था, 150 रनों से ज़्यादा का मार्जिन या फिर इनिंग डिफीट। लेकिन इस बार टीम इंडिया अपनी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की। उसके बाद लंदन के ओवल में 2021 से पहले 1936 से 13 मैचों में मात्र 1 बार 1971 में जीते थे और इंग्लैंड 5 बार बड़ी मार्जिन से जीता था जबकि 7 बार ड्रॉ रहा था। वहां टीम इंडिया ने 2021 में 157 रनों की बड़ी जीत हासिल की। टीम इंडिया इंग्लैंड में जाकर 1932 से अब तक मात्र एक ही बार 1986 को टेस्ट सीरीज जीता है, तब कपिल देव टीम इंडिया के कप्तान थे। उसके बाद साल के अंत में साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में 113 रनों के बड़ी अंतर से हराया। टीम इंडिया का यहां पहला जीत है। इससे पहले साउथ अफ्रीका इंडिया के खिलाफ 2 मैच जीत चुकी है और कोई एशियन टीम वहां जीत हासिल करने नहीं पाया है। इसके अलावा वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड भी इस ग्राउंड पर कभी नहीं जीता है। सेंचुरियन पर जीत इसको आप मजाक में मत लेना, क्योंकि साउथ अफ्रीका यहां 26 मैचों में 2 ही बार हारा है, 1 बार इंग्लैंड के खिलाफ और 1 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाकी 21 मैच जीता है और 3 मैच ड्रॉ रहा है। तो इनमें से टीम इंडिया द्वारा आपका फेवरेट विक्ट्री कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना।